बड़ी खबर यूपी के गोंडा से आ रही, जहां उजमा राशिद को फिर से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दिया टिकट। जी आपको बता दें कि उजमा राशिद के ऊपर फिर से नगर पालिका चुनाव में सपा मुखिया ने एक बार फिर विश्वास जताया और फिर उम्मीदवार बनाया। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बनाया गया समाजवादी पार्टी से उजमा राशिद को। एक बार फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उजमा राशिद के ऊपर भरोसा जताते हुए फिर से नगर निकाय के चुनाव में उनको अपना उम्मीदवार बनाया। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के निम्नलिखित प्रत्याशियों की घोषणा की जाती है। सबसे पहले गोंडा सदर गोंडा नगर पालिका परिषद जो महिला आरक्षण में महिला थी, जिसमें उजमा राशिद पत्नी डॉक्टर राशिद इकबाल इनको प्रत्याशी और हमारे पार्टी के नेताओं को बधाई, कार्यकर्ताओं को बधाई और वोटर को सबसे पहले बधाई, जो माननीय अखिलेश यादव के विचारों से लैस होकर पार्टी प्रत्याशियों को जिताने का कार्य करेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 जून 2001 में आए थे और माननीय नेताजी सत्ता में मुझे समाजवादी युवा जनसभा का जिला अध्यक्ष बनाए थे। आदरणीय अखिलेश यादव जी के विश्वास पात्रों में से एक नाम अरशद हुसैन है, वो आज भी कायम है। अभी हमने देखा और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष को निर्देशित किया तो हमारे आंखों से आंसू आ गया कि सादा फार्म दे दो, वहाँ जाके सब अपने सिस्टम से अच्छे साथियों को चुनाव लड़ाने का कार्य करेंगे। पहले हमारी चुनौती है निकाय चुनाव में, 7 में हम 4 थे, 10 में हम 7 होना चाहते हैं कम से कम। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के विचार हमेशा जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। उन्हीं के बल पर हमें भरोसा है और आपको विश्वास दिलाते हैं 10 में से 7 हमारे सीट जीत कर जाएगी। पार्टी ने जो मेरे परिवार पे यकीन किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो दोबारा फिर से मुझे मौका दिया है, मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं उस पर खरी उतरूँगी। प्रदेश अध्यक्ष हमारे जिला अध्यक्ष अरशद हुसैन जी, गोंडा की शान सूरज सिंह जी, सब ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। आज जितने भी उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं इन्हीं लोगों की वजह से हैं और मैं यकीन दिलाती हूँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि जिस तरह 5 साल पहले गुजरा है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये साल गुजरे। इसके लिए मेरे तो कोई अल्फाज ही नहीं कि वो नहीं है तो मुझे क्या खल रहा है, बस मैं कुछ इसके लिए कमी तो महसूस की जाएगी लेकिन जो उनका वो है सपना वो पूरा किया जाएगा। गोंडा की जनता से क्या चाहती है, क्या अपील चुनाव? देखिए आज मैं जो यहाँ बैठी हूँ तो सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी वजह से बैठी हूँ और उसमें सबसे ज़्यादा जो कोई अहम रोल ने हमेशा हमारे परिवार पर यकीन किया, हमारे अब्बू को हमेशा मौका दिया, मुझे मौका दिया और फिर से मुझे मौका दिया, उनकी दुआओं का ही असर है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ। अब कठिन तो मैं नहीं जानती लेकिन मैं तो जानती हूँ कि हमारे जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं माननीय सूरज सिंह जी हैं और जितनी भी हमारी जनता है उन्होंने हमेशा साथ दिया है, हौसला बढ़ाया है और फिर साथ दे रहे हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं। तो हौसला बहुत बड़ी चीज़ है, कितनी भी कठिनाई हो अगर हिम्मत और हौसला है तो उसको पार कर सकते हैं। जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे? बहुत से मुद्दे हैं जो अगली बार नहीं मुकम्मल कर पाए जिसकी वजह कोरोना काल है, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल ज़ाया हो गया और उसके बाद भी बजट ना होने की वजह से बहुत से काम नहीं हुए और वो काम मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि इस बार को मुकम्मल करूँ।